अशरफ क्या कहने आई है? मैं तुझे कुछ नहीं कहने आई, मैं आज तुझसे कुछ मांगने आई हूँ बेटा। अशरफ बेटा, मेरे बेटे आज एक माँ अपने बड़े बेटे से छोटे बेटे की जिंदगी मांगने आई। बेटा हम आपको माफ करते, उसे बख्श दे, वो अड़ गया है बेटा, कहते हैं इफ्रा से। इफ्रा उसकी नहीं होगी, नहीं होने दूंगा। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ अशरफ, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, देख देख मैं झोली फैला रही हूँ, ना कर से तू, ना कर मेरे बेटे। अशरफ मेरी तरफ देख बेटा, देख मुझसे वादा कर, वादा कर बेटा, तू अम्मा को कुछ नहीं कहेगा, वादा कर। लाओ बेटा, शाबाश, यहाँ रख दे, उसको पीछे कर। खतीजा पराठा दे दे। खा बेटा। तबीयत कैसी है भाई? बेहतर। क्या अम्मा, इतनी खामोशी हो रही है घर में। अशरफ भाई से ना हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। हमारे प्यारे भाई दूल्हा बनने वाले, ना हमने गाया ना बजाया, ये क्या बात हुई? वो अभी तो बात पक्की हुई है, जब रुखसती होगी तो गाना बजाना जितना जी चाहे। बस हमाद भाई को उनके पसंद की दुल्हन मिल जाए, हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। कह देने से अरमान पूरे नहीं हो जाएंगे भाई, बात पक्की मतलब रिश्ता तय और मिठाई बटना शुरू। हम तो इस खुशी को खूब मनाएंगे, क्यों रु बाबा जी, हो जाए? हाँ। भैया की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। हम आगे बात करते हुए शर्म नहीं है, हैं? बता दूंगा तुम्हें, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें यकीन नहीं आता। कल के दिन तेरी मेरी तू तो मैं हो जाए तो फिर क्या, मुझे भी बंदे भेज देगा पिटवाने के लिए? इतनी बड़ी गलती करके तू शर्मिंदा नहीं? हर बार तुझे मेरी गलती नजर आती है, मेरा कोई अच्छा काम याद है तुझे? हर वक्त तुझे हमाद की फिक्र रहती। ये जो तुझे है ना, अपने आप को हर बार में कम समझना, ये तेरी बचपन की कमजोरी है, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बचपन से लेके अब तक एक ही फिक्र सुनता आ रहा हूं अब्बा। अशरफ, हम आज तुझसे ज्यादा जहीन है, हम आज तुझसे ज्यादा होशियार है, तुझे तो मेरी कभी कोई परवाह नहीं हुई अब्बा, तूने तो मेरी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। हम आद के कपड़े, हम आद की पढ़ाई, हम आद की किताबें, तूने हमेशा हम आद को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। और आज भी क्या किया तूने, मेरी खुशियां मेरी ख्वाहिशें जाके उसके नाम कर दी, क्यों? आज इधर तू है, उसका जिम्मेदार तू खुद आप ही है। पढ़ाई ना करना तुम्हारा फैसला था, मैंने नहीं। और अब क्या है, हर वक्त तुम्हारा दिमाग फेरा रहता है, जल्दबाजी, जहन पे गुस्सा सवार, सारे इस घर में जानते हैं कि बेटो बेटियों के मुकाबले में मैं बेटों को ज्यादा फौकियत देता हूं, और तुम दोनों में तू मेरे ज्यादा करीब है, हर फैसले में तेरा मशवरा होता है, घर वालों को मैंने बताया हुआ है,
ये मेरे पास अगर किसी की बात तुमने माननी है सुननी है वो अशरफ है, और फिर भी तुम मुझे कसूरवार ठहराते हो। अगर हमाद की शादी हो गई ना हिफरा से तो इसका कसूर हुआ तो मैं तुझे ही समझूंगा अब्बा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जज्बाती हो रहे तुम। हमाद का वहां रिश्ता कराना मेरी मजबूरी थी। खत्म करा दे ये रिश्ता खत्म करा दे अब्बा। ना मैं नहीं कराऊंगा, क्यों खत्म कराऊं मैं? मैंने अपनी जुबान दी है, और मर्द की शान में ये नहीं होता है कि जुबान लेके बंदा मुकर जाए और फिर वजह हो। मैं क्यों करा लूंगा रिश्ता खत्म? तो वजह है ना अब्बा, मेरी मोहब्बत मेरी चाहत, ये इनकार की सबसे बड़ी वजह है। इफ्रा से शादी मैं करना चाहता था, मेरे नाम पे रिश्ता गया उस घर में। यह वजह नहीं है अशरफ, यह वजह नहीं है, ये बेवकूफी है, ये वजह नहीं है, समझे हो? और बेहतर यही है कि इस बात को तुम इधर ही खत्म कर दो, जिद छोड़ो अपने, ठीक है? मैं तो ये जिद नहीं छोड़ सकता अब्बा, इफ्रा को हर कीमत पर मैं ही हासिल करूंगा। मैं वैसे हैरान हूं ईमान से कि तुम्हारा जैसा गैरतमंद आदमी ये बात कर रहा है, और उन्होंने तुम्हें धटकारा है यार। प्रोफेसर तुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूँ ना बाप से, मैं तो करता हूँ। मेरा फैसला मैं कर चुका हूँ, ठीक है? बेहतर यही है कि तुम मेरा फैसला जो है उसे मानो, और अगर अब तुमने हमाद को कुछ कहा तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझियो। रफीक ससी अज जूंदी हुंदी ता मैं पुछदा कौन बिठा के, लगी वाले ते अख नहीं ला दे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं ला दे, नी तेरी किवे अख लग गई, हाँ तेरी किवे अख लग गई। सारा एक मिनट, सारा लिसन, मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं चाहती हूँ तुमसे बात करना। देखिए मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है, एक्चुअली मैं बस आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चाहते क्या हो तुम? फिलहाल तो बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी। उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि आपके भाई फोन कर रहे हैं, मैं बस वो हेरा पास नहीं थी इसलिए मैंने फोन उठा लिया। हाँ, बगैर किसी की इजाजत के किसी का भी फोन उठा के किसी से भी बात कर लेते हो तुम, है ना? ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ कौन है। देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई पता नहीं था। अब अगर तुम्हारी सारी ये बातें हो गई हो तो मैं चली जाऊं प्लीज? गेट तक साथ चलते हैं ना? कोई जरूरत नहीं, मेरे भाई मुझे लेने आते, मैं नहीं चाहती वो तुम्हें मेरे साथ देखे। और हाँ, मेरे साथ ना ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। मुझे अशरफ से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया ना। कल को अगर प्रोफेसर साहब या इफ्रा को कुछ कर देते हैं तो? ऐसा नहीं करेगा वो, मैं रिश्ता तय कर चुका हूँ, ऐसा करके उसको क्या हासिल होगा? अब भाई यही तो मसला है, वो कुछ हासिल करने के लिए कब कुछ करते हैं, उन्हें तो खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। तो खुश किस्मत हो प्रोफेसर ने इफ्रा का रिश्ता तुम्हारे लिए दिया, हमें दिया, बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी।
तो ठीक है अब्बा, लेकिन अशरफ भाई का क्या करूं मैं? अशरफ से मैं बात कर चुका हूँ, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। देखो तुमने इस सिलसिले में उसके साथ कोई बात नहीं करनी, समझा ना? जी। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? भाई कुछ नहीं, वो शोर हो रहा था, मैं तो कपड़े उतारने आई थी सिर्फ। कपड़े उतारने के बहाने लड़के ताड़ रही थी नीचे, हैं? कोई ऊपर देख लेता क्या कहता फिर? और क्यों तुम तीनों मेरी इज्जत का जनाजा उतारने पर तुली हो? भाई मैंने कपड़े धोए थे, नीचे जगह नहीं थी, मैं तो सिर्फ कपड़े ऊपर से उतारने आई थी। खा कसम के नीचे जगह नहीं थी। भाई आपकी कसम। मेरी कसम क्यों खा रही है तुम? की कसम, चल मैं देखता हूँ नीचे जगह थी या नहीं। भाई छोड़े, चला। भाई मुझे दर्द हो रहा है। दर्द मैं देखता हूँ अभी, आ नीचे। लाल जोड़ा पहन के तो छत पे चढ़ी हुई है ना? भाई माफ कर दे। क्या माफ कर दे, क्या माफ कर दे? अम्मा, अम्मा अशरफ छोड़ दे, ये आज के बाद छत पे नहीं जाएगी। मैंने भेजा था ऊपर कपड़े लाने के लिए तार से। ये तार से कपड़े उतारने की बजाय गली में लड़कों को ताड़ रही थी। अम्मा मैं तो सिर्फ छत से कपड़े लेती हूं। झूठ बोलती है आगे से। आइंदा गई ना तो तार के साथ साथ तेरी जुबान भी काट दूंगा मैं। भाई दर्द हो रहा है। अशरफ क्या हो गया तुझे? मैंने भेजा था। बस नहीं जाएगी, कह दिया मैंने। कपड़े लेने भी ना जाए अब। नहीं, बहस करती रहती है आगे से अम्मा भी, बेशरम। क्या कर रही थी? चल चुप कर, चल चुप कर।